आपके कई साथी आपसे छूटकर बीजेपी में चले गए, अलग अलग माता पिता पीछे आए, किसी को ब्लैकमेल करते हैं, पावर का लोभ दिखाता है। सर अगर मैंने किसी से सुई भी नहीं ली है तो मुझे कोई ब्लैकमेल कैसे कर सकता है? आपको ब्लैकमेल कर सकता है बताइए। कुछ तो किया है ना, आप कह रहे हैं कि टीएमसी सरकार में रहते हुए गड़बड़ की है, थोड़ा सा कुछ तो कुछ आई, कहीं ना कहीं तो हल्का सा धुआं होगा, तभी तो सर चिंगारी उठी। उसको डर दिखाया है क्या सीबीआई का, ईडी का? ममता दीदी के राइट हैंड बनने के रहने के दौरान इस तरीके का उन्होंने कैसे कर दिया जो आप बता रहे हैं? वो मालूम नहीं था जिसका चली का पीछे क्या है। तो पश्चिम बंगाल में होने वाले हाई प्रोफाइल चुनावों में दो चरण के चुनाव हो चुके हैं, वोटिंग पड़ चुकी है, अब आखिरी में बाकी जो वोटिंग होनी है वो सब लगातार जारी है। ऐसे में आज मैं मौजूद हूँ वालीगंज विधानसभा में, यहाँ पर मेरे साथ यहाँ के एमएलए साहब सुब्रत मुखर्जी जी मौजूद हैं और इसी के साथ काउंसलर कैसर जमील साहब मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। थैंक यू सर। सबसे पहला मेरा सवाल आज आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से दो राउंड की वोटिंग हो चुकी है, दो फेज की वोटिंग पड़ चुकी है, आगे क्या कुछ होने वाला है? कहीं ऐसा तो नहीं सर कि जिस तरीके से बिहार में माहौल जो था कुछ राउंड के बाद, कुछ फेजेस के बाद बदल गया था, ऐसा कुछ यहाँ तो नहीं हो जाएगा आखिरी पल पर? बिहार में उसका तरीका से चलता है, बंगाल का अलग अलग पॉलिटिकल तरीका से चलता है। और बंगाल में देखिए जो शुरू हुआ वो बीजेपी चिल्लाता है ज़्यादा, लेकिन वोट कम सबसे कम मिलेगा। और इधर ममता का जो वोट था उससे ज़्यादा वोट इस टाइम में मिलेगा। मुखर्जी साहब ये बताइए, तीन साल पहले तक जो पार्टी कहीं फाइट में थी ही नहीं, उसने इतना बड़ा कैसे रोल प्ले कर दिया कि वो आज फाइट में है और सबसे मजबूती के साथ आपसे लड़ रही है? वो उनका पैसा है, वो पैसा देकर ट्रेन में ले जाता है, आता है और बहुत कुछ मोबिलाइज करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कोई मिनिस्टर लोग, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर वो कुछ बोलता है तो बड़ा न्यूज़ हो जाता है। और कोई कोई आदमी सोचता है बड़ा न्यूज़ भी हुआ और पोजीशन भी बड़ा हुआ, लेकिन पोजीशन वो जैसा है स्मॉल है वही है, क्योंकि उनका पार्टी किधर है, वो इधर से दो आदमी, उधर से दो आदमी, उधर से दो आदमी लेके एक पार्टी बना है। वो उसमें बंगाल जैसे पॉलिटिकल स्टेट है वैसा पॉलिटिकल पार्टी इधर चलेगा नहीं। ठीक है जमील साहब, अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा। जमील साहब ये बताइए कि इस बात से आप शायद इनकार ना कर पाए कि कल तक और उससे पहले यहाँ पर होता था टीएमसी बनाम लेफ्ट, टीएमसी बनाम लेफ्ट खत्म हुआ, अब हो गया है टीएमसी बनाम बीजेपी। ठीक है, ऐसे में कल तक जो पार्टी वर्सेस पार्टी होता था, आज आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं चाहते और ना चाहते हुए भी हिंदू बनाम मुस्लिम हो चुका है, चुनाव में ऐसा एजेंडा कहीं आ तो नहीं गया है? नहीं नहीं, ये एक्चुअली देखिए हिंदुस्तान में बीजेपी जिस तरह से हर स्टेट में कर रहा है वो यहीं भी वही पोलराइज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान बंगाल एक अलग तरीके का लोग यहाँ रहते हैं, यूपी बिहार का तरह यहाँ माइंड नहीं है कि लोग के बोला रहो पोलराइज हो जाएंगे, यहाँ पॉलिटिकल हिसाब से ये होता है, इलेक्शन होता है, पार्टी का प्रोसेस है, आप डेवलपमेंट क्या किए, आपका काम क्या हुआ, आपने देखा है द्वारे सरकार हमने किया है यहाँ पर इस इलाके में, लोग से पूछिए टूट पड़ा लोग कि द्वारे सरकार एक नया टाइप का चीज़ देखा। अच्छा, ये स्कीम आपको लगता है कि चुनावों में मदद करेगी? 100% लोग अभी भी चाह रहे हैं कि भाई द्वारे सरकार का जैसा प्रोग्राम आज तक किसी पार्टी नहीं दी, दैट इज द बेस्ट एंड स्टिल ऑल टाइम रिकॉर्ड ही ब्रेक कर दिया। चलिए ठीक है, देखिए दोनों में समानता तो नहीं है, हाजिर सी बात, दोनों में समानता नहीं है, लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का चुनाव अलग होता है, लेकिन फिर भी 40% वोट शेयर, 18 सीटें कैसे बीजेपी ला पाई यहाँ पर? और सीपीएम से वोट आ गया और सीपीएम से दल छूट जो वोट वोट उसको 18 सीट मिला के दिया, और दूसरा कोई पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और साइंस कुछ नहीं आए, वो एक ही काम किया, पूरा सीपीएम का वोट, सीपीएम का 1 पॉइंट टारगेट ममता बनर्जी को हरा दीजिए और उसके बाद वो दखल दे सकता है, इसलिए वो नया तरीके से 18-20% वोट सीपीएम का वो दे दिया बीजेपी को। अच्छा सर देखिए, अचानक वो वोट लेके वो बहुत सीट मिल गया। ठीक है सर, बहुत सीरियस और बहुत जेन्युइन सवाल मेरा, और जिस तरीके खुद एक बात पूछ लीजिए कोई सीपीएम कैंडिडेट का, वो हमारे बात ही बोलेगा। ठीक है सर, बहुत सीरियस और बहुत जेन्युइन सवाल, महाराष्ट्र में जिस तरीके से एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस लड़ते रह गए लेकिन सत्ता का जो ताज था
वो चकलिया शिवसेना ने। ऐसे में यहाँ बताइए, कहीं आप लोग खेला हो और परिवर्तन के बीच में पड़े रहें और कांग्रेस और सीपीएम ऐसी परिस्थितियाँ खड़ी कर दे कि मुसीबत हो जाए। नहीं, कुछ इधर देखिए, ममता बनर्जी और अभी ये अलग अलग जो स्मॉल स्मॉल पार्टी था उसका वोट इकट्ठा करके बीजेपी बना गया। बीजेपी का आप खास करके बीजेपी का कोई वोट है ही नहीं, बहुत मामूली, जो जात पात करता है। बंगाल में जात पात पॉलिटिक्स चलता नहीं और वो उसी पर भरता करके अलग दूसरा पार्टी जो गिर गया उसको वोट ले लिया और इसलिए हमारा साथ लड़ाई उनका होगा। ठीक है, मुखर्जी उनका अपना वोट है ही कुछ नहीं, एक दफे गिर जाएगा तो सेकंड टाइम देखेगा उसको कोई पता भी ध्यान नहीं होगा। ठीक है मुखर्जी साहब, बिल्कुल। देखिए मुखर्जी साहब, ये और बताइएगा, आपके कई साथी आपसे छूटकर बीजेपी में चले गए, ऐसा कौन सा लोक लुभावन वो ऐसा क्या दिखा देते हैं कि आपके ही लोग टूट के वहाँ चले जाते हैं और इससे सबसे ज्यादा घाटा कहीं ना कहीं कार्यकर्ता को होता है? एक कोई कोई अलग अलग बात पीछे है, किसी को ब्लैकमेल करता है, एक कैसा है वो कैसा है इसका हो गया, किसी के लोभ जैसा पावर का लोभ दिखाता है और किसी का पैसा का लोभ दिखाता है। ठीक है सर, आपने कहा मिला के ऐसा ये कोई पॉलिटिकल पार्टी अभी भी बना नहीं। ठीक है सर, आपने जैसे कि कहा कि ब्लैकमेल करता है, सर अगर मैंने किसी से सुई भी नहीं ली है तो मुझे कोई ब्लैकमेल कैसे कर सकता है? आपको ब्लैकमेल कर सकता है, बताइए। नहीं नहीं, कुछ तो किया है ना। अच्छा, गड़बड़ की है? हाँ, गड़बड़ तो कुछ है। आप कह रहे हैं कि टीएमसी सरकार में रहते हुए गड़बड़ की है? जो जो आदमी चला गया उसका ज्यादा नंबर थोड़ा से कुछ कुछ तो कुछ आई। अच्छा, कहीं ना कहीं कुछ रहा है, तभी कहीं ना कहीं तो हल्का सा धुआं होगा, तभी तो सर चिंगारी उठी, अदरवाइज क्यों जाएगा पार्टी में? आप समझिए, शुभेंदु अधिकारी का क्या चीज़ नहीं मिला? मैंने तीन तीन मंत्री और हल्दिया पोर्ट अथॉरिटी का, वहाँ का वो चेयरमैन, इस बैंक का, उस बैंक का, इतना कुछ होने का बाद भी जाने का वजह क्या है? क्या उसको बीजेपी बोला है कि उसको सीएम कर दे या फिर पश्चिम बंगाल का? नहीं, जो प्रॉपर्टी है उसको बचाना होगा, उसको डर दिखाया गया सीबीआई का, ईडी का और जितना भी गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है सब मिलकर उसका डर दिखाया गया। अब जाए तो जहाँ जाए वहीं एक बढ़ जाएगा जगह जो भाग जाए। ठीक है सर, टीएमसी में कहा जाता है ममता बनर्जी के राइट हैंड थे शुभेंदु अधिकारी, तो ममता दीदी के राइट हैंड बनने के रहने के दौरान इस तरीके का उन्होंने कैसे कर दिया जो आप बता रहे हैं? ममता बनर्जी का आप वो मालूम नहीं होता जिसका चली का पीछे क्या है। अच्छा, चलिए चलिए, ठीक है दादा, बहुत बड़ा एंसर जो चोली के पीछे क्या है, आप समझ जाइए। ठीक है, आखिरी कमेंट, 2 मई को क्या देखने वाली है यहाँ की पश्चिम बंगाल की जनता? दीदी का साथ, ममता का साथ, पूरा जनता अभी भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए।